नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके क्रोशियो आर्ट। आज हम एक बहुत ही सुंदर क्रोशिए का सनफ्लावर बनाएंगे, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। वूल को फ्रंट फिंगर से घुमाएंगे और थंब और मिड फिंगर से इसको टाइटली पकड़ेंगे और नीचे वाली दो फिंगर से इसको कंट्रोल करेंगे। स्लिप नॉट बनाएंगे क्रोशिया मेरा 3 mm का है। आप अपनी वूल के हिसाब से क्रोशिया ले सकते हैं। अब हम चेन बनाएंगे 5 चेन बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइटली चेन बनाना है, लूजली चेन नहीं बनाना है। फर्स्ट चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। अब हम इसके अंदर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सिंगल क्रोशेट हमारे बन गए हैं। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशेट के साथ इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा धागा हटा देते हैं। स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट सिंगल स्टिच में इसको अटैच कर देंगे। तीन चेन्स बनाएंगे, 1 2 और ये 3 तीन चेन्स हमने बना ली हैं। अब हम चेन में ऊपर वाली चेन में हम पफ स्टिच बनाएंगे 3 पफ के साथ, 1 2 और ये 3 एक पफ हमारा बन गया है। और सेम चेन में हम एक और 3 वाला पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 हम कहीं पर भी इसमें चेन नहीं बनाएंगे। हर चेन स्टिच में हम 2 पफ बनाएंगे, 3 पफ वाला। एक, दो और ये 3 3 वाला पफ बनाएंगे। 3 वाला पफ बन गया है, एक और पफ बनाएंगे सेम चेन में। सेम चेन में हर एक चेन में हम 2 पफ बनाएंगे, ये हमारे 4 पफ बन गए हैं। टोटल चेन्स हमने 8 बनाई थी, तो हमारे 16 पफ बन जाएंगे। इसी तरह से हर एक चेन में अगर हम 2 पफ बनाएंगे तो हमारे टोटल 16 पफ बन जाएंगे। हर एक चेन में ऐसे ही हमने 2 पफ बनाने हैं, 3 बार लेके
ये एक पफ बन गया। सेम चेन में हम दूसरा पफ बनाएंगे, एक दो और ये तीन, तो ये हमारा एक और पफ बन गया। टोटल हमारे 6 पफ बन गए हैं, 3 चेन्स में 6 पफ बन गए हैं। तो इसी तरह से हर एक चेन में हमें 2 पफ बनाने हैं, टोटल हम 16 पफ बनाएंगे। चेन हमें ऊपर से पूरी चेन उठानी है, आधी चेन नहीं उठानी है हमको। सिक्सटीन पफ बन गए हैं हमारे। हर चेन में हमने 2 पफ बनाए हैं, इस तरह से हमारे टोटल पफ बन गए 16। अब हम फर्स्ट चेन के साथ, ऊपर की फर्स्ट चेन के साथ इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और येलो कलर लगाएंगे। चेन्स बनाएंगे और टोटल हमारे पफ थे 16 और ऊपर चेन भी आएंगी 16। फर्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट चेन में। ये एक ट्रिपल क्रोशिया बन गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड 6 ट्रिपल क्रोशिया। छह ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। थोड़ा सा धागा निकाल के, धागा निकाल दिया हमने। फर्स्ट चेन को लेंगे, फर्स्ट चेन को, और इस इस धागे को हम यहाँ से पुल करेंगे और थोड़ा से इसको टाइटली करना है, टाइटली। 2 चेन्स बनाएंगे, एक और ये 2। अब हम नेक्स्ट चेन लेंगे। नेक्स्ट चेन में हम 6 ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार,
5 और ये 6। 6 ट्रेबल क्रोशिया हम बनाएंगे एक ही चेन में। थोड़ा सा धागा पुल कर देंगे, फर्स्ट चेन में से धागा पुल करते हुए, और इसको टाइटली करना है टाइटली, और दो चेन्स बनाएंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट चेन में 6 ट्रेबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन पूरी उठानी है हमें, एक दो तीन चार पांच और ये 6। 6 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। धागा हम पुल कर लेंगे और फर्स्ट चेन से इस धागे को पुल कर लेंगे और इसको टाइट कर देंगे, अच्छा टाइट। दो चेन्स बनाएंगे और प्रोसेस रिपीट करेंगे। हर चेन में हम ऐसे ही बनाएंगे। 16 हमने पंखुड़ियाँ बनाई थी, तो 16 चेन्स हमारे पास थी। इस तरह से हमें फ्लावर के पेटल्स भी मिलेंगे 16। हर चेन में एक पेटल बनाएंगे, इस तरह से टोटल पेटल्स हो जाएंगे 16। फ्लावर बनाना बहुत आसान है, जिसे सिंपल क्रोशिया पकड़ना आता है वो इसे आसानी से बना सकता है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर इट। For my more beautiful videos, you can explore my channel. And for my upcoming videos, you can subscribe my channel. I also hope that the video is clear. However, if for any doubt, please ask me in the comment box. Four petals हमारे बन गए हैं। इसी तरह से बाकी के पेटल्स बनाकर ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे। फ्लावर बहुत ही सुंदर बना है। 16 पेटल्स हमारे बन गए हैं। दो चेन्स बनाकर बैक साइड में बिल्कुल नीचे की चेन के साथ इसको हम अटैच कर देंगे और हम धागे को वहीं पर नीचे इसको अटैच करके टैग कर देंगे। नीचे धागा अटैच करके इसको टैग कर देंगे और एक्स्ट्रा धागा हटा देंगे। फ्लावर हमारा बहुत ही सुंदर बना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।